मब्बी ओपी क्षेत्र का NH-57 का वह इलाका दिन दहाड़े थर्रा उठा जब बाइक सवार अपराधियों ने बिजली मिस्त्री मोहम्मद कलाम पर तरातर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली मोहम्मद कलाम के कनपट्टी में जा लगा। घायल अवस्था में आनन फानन में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां नाजुक स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उसे PMCH के लिए रेफर कर दिया। घटना स्थल पर खून से लथपथ एक चप्पल, मोबाइल, ईयरफोन बरामद किया गया है और साथ ही गोली का एक खोखा भी बरामद हुआ है। मालूम रहे कि मोहम्मद कलाम बिजली मिस्त्री है और वह शिवधारा पर एक मकान में किराया लेकर रहता है। काम के बहाने पहले से ही घात लगाए अपराधी बैठे हुए थे और काम के बहाने उसे ही एक साथी ने बुलाया और घात लगाए अपराधियों ने तरातर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली चलने के एक बाद एक घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आनन फानन में मब्बी ओपी को सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और वहां से गोली का एक खोखा भी बरामद हुआ है। हालांकि मोहम्मद कलाम की स्थिति नाजुक बनी हुई है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे PMCH के लिए रेफर कर दिया है। किस रंजिश के कारण मोहम्मद कलाम के ऊपर अपराधियों ने गोलियां चलाई है इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसने गया और इसको शक हुआ या कुछ भी हुआ तो हमको फिर फोन किया कि भाई ऐसे बात अनजान आदमी, हम नहीं पहचानते इसको, इधर लफड़ा उफड़ा हमसे कोई कर लेगा, तुम आओ मेरे साथ चलना, दो चार आदमी रहेंगे तो नहीं करेगा लफड़ा। तो हमको जैसे ही फोन बोले ठीक है रखो, हम कपड़ा पहन के आ रहे हैं। जैसे हम कपड़ा पहनिए रहे कि फोन आया कि गोली मार दिया वहाँ पर मब्बी पुल के पास, गया भी नहीं उधर से, फिर लड़का से बिठन आया, तीन लड़का से गोली मार दिया, दो गो प्लेन में मार दिया गोली, वहीं पर मार दिया, जब तक पहुँचे पहुँचे गोली मार दिया। तीन लड़का से था, गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर याद है, मेरे छोटे वाले भाई को, मेरा भाई था उसके साथ में दो आदमी था, जब तक हम गए तब तक गोली मार दिया। वस्तु बिहार में बोला काम करवाना है और सिद्धारा पर आया तो लोग बताने के लिए गेहूँ में चलिए बिजली का काम करवाना, बोला कि हम नहीं पहचानते फोन नंबर दिया तो उसने नहीं पता, बोला कि हम अभी से काम करवाएंगे, उसको बोला कि ले गया गोली मार दी। क्या लगता है पुरानी रंजी से, क्या लगता है? उस लड़का सब हम नहीं जानते, हमने कभी देखे थे, हम अभी भी नहीं देखे हुए हैं, वही देखा वो भी नहीं पहचानता है, लेकिन अभी जो गोली मारा था मेरा छोटा वाला भाई था उसके साथ भी, तू पहचानता उसको देखेगा तो पहचान लेगा। पुरानी कोई रंजिश ना होगा? कोई नहीं था पहले से, कोई किसी से नहीं। वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, BTN न्यूज। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार मंगलवार की देर शाम दरभंगा पहुंचे। सचिव ने DMCH के पुराने और नए सर्जिकल भवन निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने भवन की जर्जरता को देखते हुए चिंता जाहिर की। सर्जिकल भवन के निरीक्षण के बाद उन्होंने आपातकालीन विभाग और OPD का भी निरीक्षण किया। सचिव संजय कुमार ने कहा कि इन दोनों विभागों में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। इसके बाद प्रधान सचिव कॉलेज के प्राचार्य अधीक्षक और जिलाधिकारी के साथ 400 बेड का बनने वाला नया सर्जिकल भवन देखने पहुँचे। उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य को निर्माण स्थल को 2 दिन के अंदर खाली कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि हमें यहां पर एक नया सर्जिकल ब्लॉक बनवाना है जिसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, उसी का निरीक्षण करने यहां पहुंचे थे। 26 तारीख को मुख्यमंत्री की ओर से पटना में सर्जिकल ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा, इसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हो जाएगा।
पुराने सर्जिकल ब्लॉक की हालत बहुत खराब है, जल्द ही नया सर्जिकल ब्लॉक बनाकर इसे नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रधान सचिव ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के एक नया मास्टर प्लान बनाया है, जिसको लेकर परिसर का मुआयना करने वे दरभंगा पहुंचे हैं, ताकि एक बार ग्राउंड पर चीजों को देखकर स्थिति स्पष्ट हो सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएमसीएच के इमरजेंसी की स्थिति के बारे में भी कई बातें हुई, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। संजय कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत फर्स्ट फेज में 400 बेड का सर्जिकल ब्लॉक बनाया जाना है और इसके साथ ही 100 बेड का एमसीएच का अस्पताल भी बनाया जाएगा। इलेक्शन नहीं, हमें एक नया सर्जिकल ब्लॉक यहाँ पर सैंक्शन किया है और उसमें कार्य प्रारंभ किया जाना है, तो मैं उसी को देखने को आया था, क्योंकि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में केंद्रीकृत शिलान्यास सर्जिकल ब्लॉक का किया जा रहा है और उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जो पुराना सर्जिकल ब्लॉक आप लोगों ने देखा ही है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो जितनी जल्दी हो हम नया सर्जिकल ब्लॉक बना करके उसे वहाँ पर हस्तांतरित। कई डॉक्टर का शौचालय है, कई लोग कंप्लेन किए शुरू से, इतनी विपरीत परिस्थिति में कार्य करना पड़ता है उन लोगों को। बात सही है कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है और जैसे भी जो भी सुझाव आएगा उस पर अमल किया जाएगा। हम लोगों ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एक नया मास्टर प्लान भी बनाया है और उस पर अमल करना है, तो मैं थोड़ा सा मुआयना करने आया था, ताकि एक बार ग्राउंड पर चीज़ों को देख करके स्थिति स्पष्ट हो सके। सर, अभी आपने इमरजेंसी और इमरजेंसी की व्यवस्था है, क्या लगता है ये सही है? बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। सर, क्या दिशा निर्देश दिया गया है? हम लोगों ने मास्टर प्लान डीएमसीएच के लिए बनाया है, तत्काल फर्स्ट फेज में एक 400 बेड का सर्जिकल ब्लॉक बनाया जाना है, उसके साथ 100 बेडेड एमसीएच का अस्पताल बनाया जाना है। मैं उसी के स्थल को देखने आया था, ताकि जितनी जल्दी हो उस कार्य को प्रारंभ कराया जा सके। इस सर्जिकल ब्लॉक से नए सर्जिकल ब्लॉक में हस्तांतरण किया जाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और जितना जल्दी कर पाए उतना अच्छा। सर, पुराने सर्जिकल ब्लॉक से जो मरीज का सर कब शिफ्टिंग होगा, जो स्थिति कभी भी गिर सकती है? हम कोशिश करेंगे जल्दी से उस बिल्डिंग को ले आए, जल्दी से उस बिल्डिंग को ले आए, क्योंकि हस्तांतरित करने के लिए उतने के लिए तो मुझे जगह भी चाहिए होगा, तो जगह तो क्रिएट करना पड़ेगा। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। देश की समृद्धि, कौशल दक्षता जैसी समस्याओं के निदान के लिए कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की सहभागिता अनिवार्य है। भारत सरकार के NCVCT बोर्ड से मान्यता प्राप्त दरभंगा का एकमात्र संस्थान दरभंगा ITI फीटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही कंप्यूटर लोको पायलट टेक्नीशियन एवं अन्य कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। सैदनगर स्थित दरभंगा ITI में नामांकन प्रारंभ है, किस बात की देरी, आज ही अपने बच्चों का भविष्य करें उज्जवल, दाखिला दिलवाएं दरभंगा ITI में। निदेशक देवेंद्र झा, नामांकन के लिए संपर्क करें 7070936007, 7070936008, 7070936009। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर RJD ने फिर से CM नीतीश कुमार और सरकार को आड़े हाथों लिया है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र मीडिया से बात करते हुए उन्होंने CM पर जमकर तंज कसा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि CM से राज्य नहीं संभल रहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, दिन दहाड़े हत्याएं, डकैती, लूट हो रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाकर सुशासन की बात कर रहे हैं। RJD नेता ने कहा कि प्रदेश में बिना पैसे के लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा, शराबबंदी के बाद यहां की पुलिस अरबपति हो गई है। आंदोलनकारियों पर धारा 353 का गैर जमानती वारंट लागू करके काला कानून लाकर संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ
आरजेडी आंदोलन करेगी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अगर जंगल राज था तो आज क्या है, अब बिहार में हर रोज अपराध होते हैं। प्रदेश में पहले जजिया टैक्स लगता था और अब यहाँ आरसीपी टैक्स लग रहा है, एस्टिमेट घोटाला हो रहा है और आम आदमी तबाह है। नीतीश सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। पहले शराब की होम डिलीवरी होती थी, अब बेड डिलीवरी होती है। उसी क्रम में यहाँ आए और समय समय पर सरकार की कमियों को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। आज बिहार में कानून का राज खत्म हो गया, अपराधियों का बोलबाला है, यही सरकार कल विपक्ष में था, मेरी सरकार को जंगल राज कहा करता था। और आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं होती है, लूट नहीं होते हैं, अपहरण नहीं होता है, बलात्कार नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आरसीपी यहाँ टैक्स लग रहा है बिहार में, पहले जजिया टैक्स लगता था, अब आरसीपी टैक्स यहाँ बिहार में लग रहा है, एस्टिमेट घोटाला हो रहा है और हर आदमी आम आवाम तबाह है। रोज नया नया टैक्स लगाकर जनता के पॉकेट से ये सरकार पैसा निकालने का काम कर रही है, चाहे वो परिवहन का मामला हो, चाहे कई ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार घिरी हुई महसूस करती है और जनता को ठगने का हमेशा प्रयास किया जा रहा है। अपने ये सरकार नीतीश कुमार जी अपनी पीठ को अपने से थपथपाते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ न पत्रकार सुरक्षित है, न लोकतंत्र यहाँ सुरक्षित है। जब लोकतंत्र ही सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं ये लोकतंत्र की बात कहा कि जहाँ जनप्रतिनिधि या आम आवाम कोई आंदोलन करते हैं किसी के खिलाफ में, तो एक धारा लगा दिया गया है जो 353 है धारा, नन वेलेबुल, और उस वेलेबुल का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस धारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जनप्रतिनिधि जब कभी सरकार के खिलाफ में कोई आंदोलन करते हैं, सरकारी प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में वो आंदोलन करने का काम करते हैं, आप भी कभी फेरे में पड़िएगा, आप भी आंदोलन समय समय पर करते रहे, आपके पत्रकारों के साथ भी कहीं कुछ होता है तो आप आंदोलन करते हैं, तो आप भी 353 के घेरे में आएंगे जो हाईकोर्ट से बेल होगा। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, ये काला कानून है। सरफराज आलम, बीटीए न्यूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक जुलूस निकाला और शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जिले में बिगड़ती विधि व्यवस्था, बाढ़ और सुखाड़ के अस्थाई समाधान, बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने, सभी जर्जर सड़कों और पुलों की अविलंब मरम्मत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के निदान, नए वाहन सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलूस निकाला और जम का प्रदर्शन किया। अंबानी का दलाल नीतीश मोदी, हाय हाय, अस्थाई निदान करना होगा, शिक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहरणालय को घेरेंगे। ये बाढ़ ये पूरा साल पहले रौदी से लोग तबाह था, पेयजल संकट था, फिर बाढ़ आई, बाढ़ से लोग तबाह हो गए। आधे लोगों को सरकार के घोषणा मुताबिक 6,000 रुपया मिला और डिजिटल इंडिया के नाम पर आज भी आधे से ज्यादा परिवार बुआ रहे हैं। इसी तरीका से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले पंचायतों से मिलता था, फरवरी 16 तक पंचायतों द्वारा पेमेंट किया गया, मार्च 16 से बकाया है, हजारों आदमी जिला में अभी तक उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं भुगतान हुआ, सैकड़ों आदमी मर गए लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। इसी तरीका से किसान के कर्ज माफी का सवाल है, सरकार द्वारा घोषणा किया गया जो किसान के लागत मूल्य का दोगुना नफा दूंगा,
लेकिन आज तक किसान का सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो विधि व्यवस्था की आज दरभंगा के अंदर यही स्थिति है, इसीलिए विधि व्यवस्था के सवाल पर। इतना ही नहीं, बाढ़ और सूखा दोनों से दरभंगा जिला त्रस्त है। एक तरफ बाढ़ का कहर, दूसरे तरफ रौदी का कहर। जहां बाढ़ भी आया वहां भी आज रौदी का कहर है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए, अभी तक नीतीश कुमार की सरकार दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा आपदा क्षेत्र घोषित करके और किसानों को, खेत मजदूरों को, मेहनत कशों को जो लाभ मिलना चाहिए वह देने की बात नहीं कर रहा है। उसके साथ ही दरभंगा जिला को बाढ़ सूखा से मुक्त करने के लिए हम लोग सदियों से आंदोलन करते हैं, परंतु मोदी की सरकार हो या फिर बिहार के नीतीश कुमार की सरकार हो या जो भी देश के अंदर सरकार रही है, अभी तक बाढ़ सुखाड़ के स्थायी निदान का बात नहीं कर सका है। हम लोगों का मांग है कोसी के बराह क्षेत्र पर, कमला के सीसा पानी पर, बागमती के नुनथर पर डैम बनाकर, बहुदेशीय डैम बनाकर बाढ़ सूखा बिजली संकट का स्थायी निदान किया जाए। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा कॉन्वोकेशन कम्युनिक द 10th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ द ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा शैल बी हेल्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस डिजायर टू रिसीव देयर डिग्री इन पर्सन एट द कॉन्वोकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनली थ्रू offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hour positively. Name of the examinations: MA MSc Biotechnology, MCOM examination 2019, MED examination 2019, MBA examination 2019, PhD D.D. examination result published in between 1st January 2019 to 30 September 2019. The application form, requisite fee and other detail can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. हनुमान नगर प्रखंड के कन्नौजर घाट पर जदयू के नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फातमी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली मुहैया कराने का काम किया गया है। अति पिछड़े एवं दलितों को हक देने का काम किया गया है और अगली सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। वे लगातार जिला में जदयू को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हनुमान नगर प्रखंड में यह चौथा बड़ा कार्यक्रम था। सैकड़ों लोग बनेंगे सदस्य, ये तो शुरुआत हुई है। ये मीटिंग काफी देर तक चलेगा और इस तरह की मीटिंग हम लगातार पूरे जिला के अंदर कर रहे हैं। हनुमान नगर में ये चौथा कार्यक्रम है। पहला बिशनपुर में हुआ, फिर रतनपुरा में, फिर केलवागाछी में और आज ये चौथी मीटिंग है। तो आप समझ लें कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोग ये मेंबरशिप कर रहे हैं और ये मेंबरशिप हमारा अभी से 6 महीने तक चलेगा। मेरी कोशिश होगी कि जनता दल यू को गांव टोला तक पहुंचाने की कोशिश करें और इसमें हर समाज के हर तबके के लोगों को लाने की कोशिश करें। और उसका उदाहरण आपने देखा होगा, आज मल्टी कास्ट लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ही यही रहेगा कि पूरे जिला में कोने कोने में जनता दल यू की सदस्यता जितनी हो सके उसको करनी है और सारे लोगों तक पहुंचने का काम करें। सदस्यता अभियान चलाना है उनको। नेट खोले हुए ना? कितना सदस्य बनाना है? जितना बन सके। अभी बहुत सारे लोग बने हैं, बहुत बनेंगे। पटना में जब मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के यहाँ जब उनका ज्वाइनिंग हुआ, इलाका से हम थे और एक गुलाई पट्टी अमरेश चौधरी जी मेरे साथ। तो उसके बाद प्रक्रिया में जो हम लोग को डायरेक्शन मिला, जो ऑर्डर मिला, ऑर्डर के मुताबिक हम लोग सदस्यता अभियान चालू किए। लगभग
चार पांच पंचायत में हम कुछ गुरहिला का भी इधर जो चार पंचायत बचा हुआ है मोरो क्या कहते हैं गुदाईपट्टी अरैला पंचायत और पटोरी पंचायत अपने हाथ से जितने अच्छे टीम के हमारे लोग थे पुराने भी और नए भी उनको जोड़ करके मैंने सदस्य बनाने काम पूर्व में कर चुका हूँ। और एक मीटिंग भी करनी थी चूँकि इसका पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ था आदमी साहब मेरे दरवाजे आए थे नहीं मीटिंग हो पाया था वो आगे मीटिंग हम फिर अरैला में करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद बड़ी मीटिंग तो क्या कहते हैं आज जो सदस्यता अपने हाथ से ग्रहण कराए हैं चूँकि वो चीफ गेस्ट हैं मुख्य अतिथि के नाते अपने हाथों लोगों को सदस्य बनाए हैं जो लोग किसी दूसरे पार्टी में थे आकर के इनके नजदीक यही हम लोगों का मुख्य। सत्येंद्र कुमार बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार हो रहा मुफ्त उपचार हड्डी नस स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज इंतजार किसका है जाएं श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा सुषमा शिखा रामजी ठाकुर मनीष कुमार ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। करोड़ों खर्च के बाद 3 साल में घोरघट्टा पंचायत में जलापूर्ति योजना चालू नहीं हो सका चिन्हित वार्डों में कहीं बोरिंग लगाकर छोड़ दिया गया है तो कहीं जलमीनार का कार्य आरंभ कर छोड़ दिया गया है पंचायत वासियों को शुद्ध पेयजल नसीब होना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा पंचायत के वार्ड 7-6 आदि जगहों पर सिर्फ दिखावे कर राशि को हजम करने में लगे हैं वार्ड सदस्य रट्टा पंचायत है और यहाँ 17-18 से काम शुरू है और आज तक इसका कहीं पानी सफाई नहीं है कोई पाइप तक कुछ नहीं हुआ है न तो बोर मतलब सक्सेस है यहाँ कोई चीज सक्सेस नहीं है क्या लूट खसूर है पूरे का पूरे लूट खसूर है में कौन सा सकती बात है पूरा लूट लिया पूरा कहीं भी एक भी काम सही नहीं चल रहा है आप फुल पेमेंट भी पा गया है फुल पेमेंट भी हो गया है सब चीज हो गया है और इसका कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्या पाइप बाद में बिछा है या टंकी लगा है या नहीं लगा देख ही रहे हैं टंकी लगा है जो अभी तक उसका घर तैयार नहीं हुआ बोर सक्सेस नहीं है बोर पूरा नहीं काम हुआ है इसका वो कैसे होगा यहाँ पानी उनी नल उनका कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक तो जितना काम हो रहा है सब जो है जैसे का तैसे फंसा हुआ माने सफल योजना है या नहीं है नहीं है आखिर पैसा जो उठा तो क्या लग रहा है कि पैसा का पैसा सब ठेकेदार लोग उठाया और काम कुछ नहीं हुआ यहाँ हम लोग जो है सो पब्लिक सब सारे कष्ट में डूबे हुए हैं जल योजना में यहाँ कोई चीज नहीं सक्सेस है और न पाइप सही है न घर बना है न टंकी लगा है न कुछ नहीं आप लोगों के घर तक पाइप या टंकी लगा है कि नहीं ऐसे पाइप बिछा दिया है लेकिन कोई जगह जोरदार नहीं हुई। वीरेंद्र कुमार बीटीएन न्यूज। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। एक बड़ी खबर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को पटना हाई कोर्ट ने अवैध ठहराते हुए इन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद तत्कालीन कुलपति समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। जानकारी के मुताबिक 22 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति साल 2008 में हुई थी। नियुक्ति के बाद से ही प्रक्रिया में धांधली किए जाने के आरोप लगने लगे थे। कई शिकायतें राजभवन और बिहार सरकार से की गई। आखिरकार डॉक्टर रमेश झा और डॉक्टर दयानाथ ठाकुर ने पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ 2011 में शिकायत दर्ज कराई। मामले पर संज्ञान लेते हुए आखिरकार अब कोर्ट ने इसकी सेवा समाप्त कर दी है। बता दें कि बर्खास्तगी के आदेश के बाद से ही संस्कृत विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। मामले के एक शिकायतकर्ता डॉक्टर दयानाथ ठाकुर ने कहा कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अभ्यर्थियों की योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र में अनियमितता थी। जो लोग इंटरव्यू लेने आए उनके नाम की स्वीकृति राजभवन से नहीं मिली थी। अभ्यर्थियों के रिसर्च पेपर जिन जर्नल्स में छपे थे वह या तो फर्जी थे या फिर उनकी मान्यता नहीं थी। साथ ही मेधा सूची बनाने में भी फर्जीवाड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले की पूरी जानकारी आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जुटाई गई। तब जाकर उन्होंने राजभवन और बिहार सरकार से भी इसकी शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर आखिरकार वे हाईकोर्ट गए। मामले पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि विस्तृत आदेश आने की प्रतीक्षा की जा रही है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मालूम रहे कि पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के करीब 22 अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दे दिया है। प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि हटाए गए प्राचार्य भी चयन में शामिल हो सकते हैं। यदि वह सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाई गई अवधि का वेतन और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। का स्रोत है पर्यावरण, जीवन का आधार है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत होगी। ये जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने पूरे बिहार में एक विशेष अभियान चलाएंगे, जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है। जल संरक्षण के परंपरागत उपायों आहर, पइन, तालाब, कुओं का जीर्णोद्धार करना, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता का निर्माण, छोटी नदियों और नालों, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के जल संरक्षण के लिए चेक डैम और कंटूर बंडिंग का निर्माण, सड़कों के किनारे कई पंक्तियों में बांधों, सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर वृक्षारोपण, मौसम अनुकूल खेती को प्रोत्साहन, साथ ही जैविक खेती और वैकल्पिक खेती के लिए भी किसानों को प्रोत्साहन, एक आत्मविश्वास और सुदृढ़ योजना के साथ प्रारंभ किया गया ये अभियान विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान की ओर बिहार की एक ऐतिहासिक पहल और महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महात्मा गांधी के 150वीं जन्म शताब्दी पर प्लास्टिक निषेध स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ। प्लास्टिक को हटाना है, देश को हटाना है। सेवा योजना कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय के द्वारा देश में प्लास्टिक फ्री की जो वन यूज प्लास्टिक जो है, एक बार प्रयोग करने के बाद जो प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, हम उसको यूज करने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं या मान लीजिए घर में भी इकट्ठा करके कूड़े के रूप में भी हम कहीं फेंकते हैं,
तो वो ना तो उसको जलाने के बाद और ज़्यादा हार्मफुल है, नहीं जलाने से वो मिट्टी में भी नहीं गलता है, इसलिए उसके प्रयोग पर सरकार ने भी बंदी लगाई है और समाज में यह जागरूकता अभियान है हमारे लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से यह जागरूकता अभियान है कि हम प्लास्टिक से दूर हों और प्लास्टिक मुक्त हों, प्लास्टिक मुक्त हमारा देश बने, हमारा समाज बने, जिससे हम भयंकर रोगों से जो पीड़ित होते हैं उस रोगों से हम लोगों को मुक्ति मिल सके। प्लास्टिक बहुत सारे रोगों को जन्म देता है, ज्यों ज्यों वह यूज के बाद पुराना होता चला जाता है उतने अधिक बीमारियां उसमें फैलती हैं और उस बीमारियों से समाज दूषित होता है, व्यक्ति मरते रहते हैं, महामारियां फैलती हैं। इन सबों पर रोक लगाने के लिए हम समाज को एक संदेश देने निकले हैं। हमारा राष्ट्र संस्कृत विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक स्वयंसेविका हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज़।